परमात्मने नमः। पृथ्वी पर हर देश में त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा त्योहार और उत्सव भारत में मनाए जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर साल में कई त्योहार कई प्रकार से मनाए जाते हैं। उनमें एक त्यौहार है होली। वास्तव में इन त्योहारों की रचना ऋषियों ने की। आत्मज्ञानी महापुरुषों ने मनुष्य को समय समय पर आत्मा से मिलन हेतु, चूँकि परमात्मा से मिलन हेतु जो योग और जो साधना बताई है वो कहीं ना कहीं उसी सिद्धांत को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे दीपावली पर एक त्यौहार है जो प्रतीक है मोह रूपी रावण पर, ज्ञान रूपी राम का प्रतीक विजय का। राम ने रावण पर विजय पाई अज्ञान से, ज्ञान की अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है दीपावली। वैसे ही होली की जो कहानी आती है कि होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रह्लाद को जलाने के लिए उसने प्रज्वलित अग्नि पैदा की और वो उस अग्नि कुंड में खुद ही भस्म हो गई। लेकिन भगवान प्रह्लाद की भक्त प्रह्लाद की भगवान विष्णु ने रक्षा की। तो पर के प्रति हलाद ही प्रह्लाद है। जो साधक परमात्मा की ओर बढ़ता है, परमात्मा की ओर चलता है, तो जो विघ्न आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनको वो परमात्मा स्वयं दूर करता है और साधक को अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। तो वास्तव में ऋषियों ने ये त्यौहार ये उत्सव इसलिए समाज को दिए क्योंकि वो इनके माध्यम से, इन प्रतीक या सिंबल के माध्यम से वो समाज को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि यदि आप धर्म और ध्यान के माध्यम से धर्म की दिशा में चलते हैं तो आप अपने हृदय में स्थित विकारों का नाश करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मानव के अंतःकरण में जो दुखों के कारण हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मोह, इनसे मुक्त होने के लिए अध्यात्म और ये जप और ध्यान और योग का मार्ग है। तो होली का जो त्यौहार है, जो उत्सव है, वो असल में इतना ही नहीं है कि पिचकारी में रंग भरो और एक दूसरे पर मारो, एक दूसरे को गुलाल लगाओ, नाचो गाओ और कुछ ड्रिंकिंग कर लो, नशा और पड़े रहो, बल्कि ये त्यौहार प्रतीक है कि जो परमात्मा के पक्त पर जो भक्त चलते हैं, परमात्मा के पथ पर जो भक्त चलते हैं, उनकी रक्षा वो प्रभु कैसे करते हैं, कैसे उनको विघ्न बाधाओं से निकाल करके सत्य और प्रकाश के मार्ग पर ले जाते हैं, कैसे उनके जीवन के दुखों का नाश करते हैं और कैसे उन्हें भव बंधनों से मुक्ति देते हैं। तो परमात्मा जो है पूर्ण प्रकाश केवल ज्ञान स्वरूप है और उस परमात्मा को प्रेम, अति प्रेम, विरह और भक्ति से भक्त प्राप्त कर लेता है। भक्त और भगवान असल में ये जो दो शब्द हैं ये प्रकृति और पुरुष का प्रतीक है। प्रकृति ही भक्त है और पुरुष ही भगवान। तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में प्रकृति काम कर रही है। सत्य, रजतम, त्रिगुणमय, यही प्रकृति है भक्त, चूंकि इसी के अंतर्गत भक्ति है। और ये जब विलय हो जाती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार विलय हो गई, सत्य, रजतम विलय हो गई, किसमें? पुरुष में, परमात्मा में, तो वो भगवान है। तो भक्त और भगवान का रिश्ता बड़ा सूक्ष्म और गहन है। ये आंतरिक है, ये भावनात्मक है। परमात्मा कोई पदार्थ, मैटर या स्पेस का कोई एटॉमिक कण नहीं है, वो आपके मन की पूर्ण चैतन्य अवस्था है। अध्यात्म उन्नति करते करते अध्यात्म की सबसे उच्चतम अवस्था पूर्ण ज्ञान स्वरूप, पूर्ण चैतन्य, विमुक्त, मुक्त
नित्य आनंद स्वरूप दिव्य अवस्था है भगवान। तो ये जो त्यौहार मनाए जाते हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन वगैरह वगैरह, ये सब त्यौहार आपको प्रकाश और सत्व परमात्मा की दिशा में जाने के लिए ही संकेत सांकेतिक हैं, संकेत करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि होली का क्या स्वरूप है। ओम श्री परमात्मा ने नमः।